बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सिवान। संपर्क नंबर 8399 43 151। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को आज ईडी दफ्तर जाना पड़ा है। देखिए 11 बजे से उनसे लगातार तबातोड़ सवाल पूछा जा रहा है। तो वहीं ये तस्वीर देखिए, ईडी दफ्तर के बाहर की तस्वीर है जहां हजारों समर्थक जो हैं उनके वो पहुंचे हुए हैं और अपनी बात जो है कि मीडिया में रख रहे हैं, तस्वीरें सीधी तौर पर। लेकिन चर्चा ये हो रही है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, कल से ही यह चर्चा हो रही है, सत्ता परिवर्तन बिहार में होता है और उसके एक दिन बाद ही लालू यादव को ईडी दफ्तर बुलाया जाता है, उनसे सवाल जवाब किया जाता है। 71 सवाल पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें से जो सवाल के जवाब लालू प्रसाद यादव ने नहीं दे पाया है, उन तमाम सवालों को लेकर के आज तेजस्वी यादव से पूछताछ जारी है। ईडी दफ्तर के बाहर समर्थकों का भारी हुजूम, लेकिन एक तस्वीर कल निकल के जो सामने आई थी उस पर भी चर्चा करते हैं, जब लालू प्रसाद यादव ईडी दफ्तर से बाहर निकल रहे थे और उनकी बेटी मीसा भारती ने यह कहते हुए, मीसा भारती दिख रही थी कि अगर आप सच्चे आरजेडी के चाहने वाले हैं, लालू जी के चाहने वाले हैं, तो नारेबाजी मत करिए, हल्ला हंगामा मत करिए, उनकी तबीयत सही नहीं है। और जब लालू प्रसाद यादव को ईडी दफ्तर से बाहर ले आया जा रहा था तो वो तस्वीरें निकल के आई थी कि 15 जो सीआरपीएफ के जवान पहुंचे थे, वो सीआरपीएफ के जवान पहले निकलते और उनको बेहतर तरीके से गाड़ी तक पहुंचाते हैं। साथ में जो है कि सिवान के एमएलसी विनोद कुमार जायसवाल भी थे, विनोद जायसवाल भी साथ में थे, लालू यादव को साथ में लेकर के कैसे वो ईडी दफ्तर से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे थे। देखिए तस्वीरें तो कई निकल के सामने आ रही है, लेकिन चर्चा यह हो रही है कि लालू यादव जेल जा सकते हैं। लेकिन कई लोग यह भी कह रहे हैं कि नहीं, यह गलत होगा, क्योंकि लालू यादव का जो हालात है अभी के वक्त में, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद वो थोड़े बहुत ठीक नजर आ रहे हैं, उनकी तबीयत सही नहीं है, हर घंटे घंटे पे उन्हें दवाइयां देनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ ये जो है कि अन्याय हो रहा है। मीसा भारती ने भी अपनी बात रखी मीडिया के सामने, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा था कि उनके साथ जो लोग नहीं रहते उन पर समन भिजवाते हैं ये लोग, यानी कि भारतीय जनता पार्टी या फिर बिहार की नई सरकार पर उन्होंने तंज कसा है। आज तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, गांधी मैदान स्थित ईडी दफ्तर में उनसे लगातार पूछताछ जारी है, जो सिकंजा है ईडी का वो कसा जा रहा है। कहीं ना कहीं इस बात की भी चर्चा है कि तेजस्वी यादव जेल जा सकते हैं। लेकिन अब देखिए होता क्या है, बाहर जो है समर्थकों का एक भारी हुजूम, लेकिन कल जिस तरह से ईडी दफ्तर में 15 जो सीआरपीएफ के जवान गए थे, अगर उस तरह की दृश्य अगर आज देखने को मिला तो यह लगभग तय माना जाएगा कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, वो जेल जा सकते हैं। इस बात की भी चर्चा है, अब देखिए क्या होता है। आज जो उनसे सवालात किए जा रहे हैं, कितने सवाल पूछे जाएंगे जब वो ईडी दफ्तर से बाहर आएंगे, उनका जो बयान आएगा वो भी हम आपको सुनाएंगे और इससे रिलेटेड जो भी तमाम खबर निकल के सामने आएगी वो तमाम खबर हम आपको दिखाएंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया तक के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक बा, अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर एमडी मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन एमबीबीएस डीएनबी जनरल सर्जरी दिल्ली, लखीचंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखीचंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है, हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखीचंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़रिया रोड, सिवान।